मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही। चुनाव की तारीख तय हो गई। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप कर रही। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी में कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा था, कुनीति कुशासन और करप्शन कांग्रेस की सरकार की पहचान रही। उन्होंने भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू बना देगी। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बीमारू क्यों कहा, तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीमारू राज्य है क्या। बीमारू कहे जाने वाले राज्यों में पिछले कुछ सालों में स्थितियां किस तरह बदली। दरअसल 1980 के दशक में आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपी रिपोर्ट में देश के 4 बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा था। दरअसल इन राज्यों को आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सूचकांकों के मामले में पिछड़ने के कारण यह नाम दिया गया था। इसके बाद इस शब्द का बार बार यूज किया गया और इन राज्यों को गरीबी और बेरोजगारी का ताना दिया गया। हकीकत यह है कि अब बीमारू होना स्थायी बीमारी नहीं। राज्यों ने अपनी स्थिति को पहले से काफी हद तक सुधार लिया है। चलिए जानते हैं बीमारू कहे जाने वाले राज्यों में पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के हालातों के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था बढ़कर 14.14 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुँच गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इसे अगले 7 साल में 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रति व्यक्ति आय साल 2022-23 में बढ़कर 1,56,149 रुपए तक पहुंच गई है। 2018-19 में यह आंकड़ा 1,06,604 रुपए था। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 32.5% है। प्रदेश में जस्ते और तांबे के बड़े भंडार भी है। बता दें देश भर में राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में 3रा नंबर है और नमक उत्पादन में भी राजस्थान का 3रा नंबर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। 1980 के मुकाबले साल 2021-22 में यूपी की GSDP कई गुना बढ़ गई है। 1980 में राज्य की GSDP 15,554 करोड़ रुपए थी, जो कि यूपी सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बढ़कर 19,74,532 करोड़ हो गई। 2022-23 के लिए इसे अग्रिम अनुमान के तहत 21.91 लाख करोड़ रुपए आका गया। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 70% को पार कर गई। ITR दाखिल करने वालों की संख्या के मामले में यूपी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। बता दें अगस्त 2023 में RBI की तरफ से रिपोर्ट के अनुसार यूपी को टॉप पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं बिहार के हालातों के बारे में। GSDP हो या प्रति व्यक्ति आय का मामला, पिछले कुछ सालों में बिहार ने इन सब में बढ़ोतरी दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक 2021-22 में राज्य की आर्थिक विकास दर 10.18% रही। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 54,383 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि यह पड़ोसी राज्यों झारखंड और यूपी से कम। बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% से बढ़कर 15.3% तक पहुंच गया है। एजुकेशन के मामले में भी बिहार के स्कूलों में नामांकन में 4% का इजाफा देखने को मिला है। इससे आखिर में बात करते हैं MP की इकोनॉमी के बारे में। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 2011-12 और 2021-22 के बीच औसतन 6.6% सालाना की दर से बढ़ी। MP 1 ट्रिलियन रुपए और इससे ज्यादा की GSDP वाले राज्यों में 4थे नंबर पर है। 2023-24 के लिए 13.87 लाख रुपए की GSDP का अनुमान जताया गया है। बता दें साल 2021-22 में राज्य की GSDP 11,36,137 करोड़ रुपए थी। मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। वहीं MP में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,40,853 रुपए पहुँच गई। इसमें पिछले एक साल में 15% से भी ज्यादा का इजाफा देखा। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो प्रदेश के 9 धार्मिक स्थलों पर साल भर में करीब 4 करोड़ लोग पहुंचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बीमारू कहे जाने वाले राज्यों के हालातों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।